अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। फाइन, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2-1। एक्सरसाइज 2-1 विल बी स्किप्ड, exercise 2-2 will be skipped, exercise 2-3 will be skipped, exercise 2-4. ठीक हो गया, 2-1, 2-2, 2-3, ये तीनों हम skip कर दिए। अब हम 2-4 पे आ रहे हैं। 2-4 के अंदर उन्होंने हमें income statement बनाने को कहा है, and it is the easiest क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाने को क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इनकम स्टेटमेंट का, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस एंड यू विल गेट योर सेल्स माइनस सीजीए। सो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, और आप उसके बाद क्या करेंगे, अपने एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको इनकम समरी मिल जाएगी, ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा, या जो भी आप नाम इसे देना चाहें। ठीक है, अब बात यह है कि सर सेल्स और सीजीए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच सकें। सेल्स की अमाउंट उन्होंने आपको दे दी है, कितनी है, 1,40,000, 14,50,000। तो सेल्स इज इक्वल टू 14,50,000। ठीक हो गया, बात यह है कि सर इज़ देर एनी सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द सीजीएस। सीजीएस के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसकी जगह उन्होंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की बात की है, यानी आपके पास LCDs पड़ी हैं, वो इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कितनी पहले थी, कितनी बाकी पड़ी हैं, तो हम आइडिया निकाल लेंगे कि सेल कितनी हो गई है। अब उन्होंने देखें, बिगनिंग में आपके पास पड़ी हुई थी 2,40,000 की, एडिशनली आपने नई LCDs या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की 9,50,000 की। पहले आपके पास कितनी पड़ी थी, 2,40,000 की, और आपने 9,50,000 की मर्चेंडाइज परचेज की हैं, तो टोटल आपने कितने की परचेज की हैं, 11,90,000। 9,50,000 एंड 240 विल बी इक्वलेंट टू 11,90,000। 11,90,000 की इन्वेंट्री अवेलेबल है, LCDs अवेलेबल है। अब बाकी कितनी पड़ी हुई हैं, एंडिंग में पड़ी हुई हैं 1,70,000 की। अगर आपके पास ये LED पड़ी थी बिगनिंग की, फिर आपने और परचेज की, टोटल अवेलेबल आ गई, दो LEDs अवेलेबल आ गई। LEDs में से